रावण। रामायण का वह पात्र जिसने आवेश में आकर अपनी सोने की लंका को आग के हवाले करवा दिया। स्त्री भोग की इच्छा ने उसे इस कदर पागल किया कि उसने अपने कुल के साथ साथ स्वयं का भी नाश कर दिया। रावण इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक और सबसे बड़ा पापी था। रावण ने अपनी बहन सूर्पनखा के पति की हत्या कर उसे विधवा बना दिया था। रावण ने ही अपनी होने वाली पुत्रवधु के साथ दुष्कर्म किया था और हद तो तब पार हो गई जब रावण के भीतर माता सीता के भोग की इच्छा उत्पन्न हो गई। रावण जो बहुत विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था, परंतु स्त्री भोग की इच्छा ने उसके इस ज्ञान को ढक लिया था। कहते हैं भोगी व्यक्ति रोगी होता है और रावण के इस भोग के रोग ने रावण को समाप्त कर दिया। भगवान श्री राम का बाण अमृत नाभि में लगने के बाद रावण जब मृत्यु के करीब था तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से अंतिम ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया। आदेश पाकर लक्ष्मण रावण के सिराने पर जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, ए लंकाधिराज, मुझे आपके पास श्री राम ने परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भेजा है। लंकेश, मुझे उत्तर दें। रावण लक्ष्मण की बात सुनकर लक्ष्मण को नजरअंदाज करते हुए अपना सिर दूसरी दिशा में मोड़ लेता है। रावण के इस व्यवहार से लक्ष्मण क्रोधित होकर वहां से चले जाते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं, कोई लाभ नहीं है भैया, वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। लक्ष्मण की बात सुनने के बाद भगवान श्री राम स्वयं लक्ष्मण के साथ रावण के समीप गए और रावण के चरणों की ओर बैठकर प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं, हे लंकेश, मुझे और मेरे अनुज भ्राता को जीवन में उपयोगी बातों का अंतिम ज्ञान देने का कष्ट करें। भगवान श्री राम की बात सुनने के बाद रावण दर्द भरे शब्दों में कहता है, मैं भला आपको क्या मार्गदर्शन दे सकता हूँ, मेरी बुद्धि तो स्वयं भ्रमित और अंधकार में डूबी है, उचित और अनुचित के बीच का भेद जानने में असमर्थ है। हे रघुकुल स्वामी, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ। रावण की बात सुनने के बाद भगवान श्री राम ने कहा, महाराज आप मुझसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, एक समर्थ शासक रहे हैं, आप मुझे उचित अनुचित और शासन करने के संबंध में आपके विचार जानने की जिज्ञासा है। भगवान श्री राम का प्रश्न सुनने के बाद रावण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राम, मेरे जीवन का अंत अब निकट है, कुछ भी कह पाना कठिन है, फिर भी थोड़ा बहुत जो कहता हूँ वो सुने। हे रघुराज, कोई भी कार्य जो दया, प्रेम और परोपकार की भावना से किया जाता है वो निश्चित ही अच्छा होता है, किंतु सत्य कर्मों को हम सदैव टालते रहते हैं। अगर आप कोई सत्कर्म करना चाहते हैं तो उसमें देरी न करें, उसे तुरंत कर डालें, नहीं तो बाद में उसे पूरा करने में कठिनाई होती है। किसी अच्छे काम को टाल दोगे तो कभी पूरा नहीं होगा। आगे रावण ने कहा, क्रोध, घमंड और घृणा, इन्हीं से दुष्कर्मों का जन्म होता है। किसी क्षण के आवेश में आकर हम दुष्कर्म करने के लिए उतावले हो जाते हैं। जब सूर्पनखा ने सीता के विषय में बताया तो मैंने खुद को तनिक भी नहीं रोका, थोड़ा भी नहीं सोचा, बल्कि जितनी शीघ्रता से हो सका मैंने सीता को अपहरण करने का दुष्कार्य कर डाला, क्योंकि दुष्कार्यों की प्रवृत्ति होती है कि वो चिल्ला चिल्ला कर अपने पूरे होने की मांग करते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो क्रोध, घृणा और घमंड से प्रेरित हुए कार्य को करने में अपने को रोकता है। हे रघुराज, जीवन की जो दूसरी अनमोल सीख है वह यह है कि कभी भी अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। युद्ध के पूर्व मैं यही कहता था कि कौन राम, वही वनवासी जो जंगल जंगल मारा फिर रहा है, जिसके पास न घर है, न घाट, न हाथी, न घोड़े, न राजपाट, वो तुच्छ मनुष्य दशानन का सामना करेगा। दशानन जो इंद्र का सिंहासन जीत चुका है, जिसने 9 ग्रहों को बंदी बनाकर अपने चरणों के नीचे रखा है, ऐसे महाअसुर से वो साधारण मानव टकराएगा? असंभव। परंतु असंभव संभव में बदल गया, क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल की। तिनके को तीर बनने में समय नहीं लगता, इसलिए आपका शत्रु कितना भी छोटा हो उसे कमजोर समझने की भूल मत करना।
आगे रावण ने कहा, मेरे जीवन की जो अंतिम सीख है कि अपने राज हमेशा राज रखना, क्योंकि अगर तुम अपने राज को अपने भीतर नहीं समेट पाए तो सामने वाले से तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वह तुम्हारे राज को अपने भीतर समेट कर रखेगा। मैंने जीवन में यही भूल की, मैं अपनी अमृत नाभि का राज अपने भीतर समेट कर न रख सका, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा यह हस्त्र हुआ। इसके बाद रावण ने अंतिम सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अंत में लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से पूछा कि भैया, जब मैं रावण के पास अकेला आया था तो उसने मुझसे मुंह क्यों फेर लिया था? तो भगवान श्री राम ने कहा, ज्ञान हमेशा चरणों में बैठकर शरणागत होकर प्राप्त किया जा सकता है, किसी के सिर पर खड़े होकर ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। बेहद तसल्ली के साथ रावण की तीनों शिक्षाओं को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।